पंचकुला से खबर जहां सीएम मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा पंचकुला पहुंची है। कालका से शुरुआत हुई, पंचकुला पहुंची सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला की जनता से आशीर्वाद मांगा है और ये जन आशीर्वाद यात्रा की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया है। कार्यकर्ताओं की भीड़ आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला की जनता से सहयोग का समर्थन किया है और साथ ही साथ सहयोग मांगा है जनता से। सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत भी किया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला की जनता से एक बार फिर से, क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त भी वादा किया गया था कि प्रदेश को आगे बढ़ाया जाएगा, एक बार फिर जब विधानसभा चुनाव हैं तो कुछ सरकार के द्वारा जो जितने भी काम किए गए हैं उनको बताया जा रहा है और अलग अलग जगहों पर, क्योंकि 90 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा अलग अलग जगहों तक पहुंचेगी, जनता के बीच पहुंचेगी और कुछ इसी तरीके से तस्वीरें आपको नजर भी आएंगी। और हमारी संवाददाता उमंग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। उमंग, क्या अभी तक जानकारी है और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए पंचकुला पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जन आशीर्वाद यात्रा अब से कुछ देर पहले पंचकुला पहुंची है और पंचकुला में भारी संख्या में लोगों ने, पंचकुला वासियों ने और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया। भव्य स्वागत के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी यात्रा की जो विशेष तौर रूप से तैयार की हुई बस है उस पर लिफ्ट से ऊपर चढ़कर उस बस के ऊपर से लोगों का अभिवादन किया, अभिनंदन किया, साथ ही जनता का आशीर्वाद मांगा और अपने अब की बार 75 पार के लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए लोगों से वोट देने की अपील की आने वाले विधानसभा चुनाव में। और जिस तरह से विधानसभा के चुनाव सत्र है उसके पहले ये 15 दिवसीय यात्रा जो है मुख्यमंत्री की है, उसकी शुरुआत आज पंचकुला के कालका से हुई और अब जब वो पंचकुला पहुंचे तो पंचकुला में माजी चौक, रामगढ़ और बरवाला इन 3 जगहों पर भारी जन समर्थन जो है मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए जुटा हुआ है। और साथ ही इस मौके पर उनके साथ इस यात्रा में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, हरियाणा भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला, परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार और उसके अलावा पंचकुला के जो स्थानीय विधायक है ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। जी बहुत शुक्रिया उमंग इस पर जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा के अलग अलग हलकों तक पहुंचने की तैयारी और इसी के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये जन आशीर्वाद यात्रा की जा रही है।